यार ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता हमेशा। सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज 3 नवंबर और अभी मैं आया हूँ छत में मम्मी के साथ, क्योंकि मम्मी कुछ प्याज और अरबी के बीज हैं उसको लगा रही हैं। उससे पहले मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या है। गांव के अदरक क्या हमें हल्दी है नहीं अदरक कहाँ है इसमें। हाँ वही तो कह रहा हूँ, हल्दी है और यहाँ पर सूखी मिर्च और ये वाली सूखने वाली है लाल वाली। तो पहले उसका देखो, आपको दिखाता हूँ शॉर्ट कितना बढ़िया लिया मैंने। यार वैसे ही देखो यहाँ पर कितना शोर होने लग गया, नहीं तो गांव में थे तो कितना मजा आ रहा था आराम से भैया। नेचर की जो आवाजें आ रही हैं आसपास के एनवायरनमेंट की, इतना मजा आ रहा था सच्ची में। अब यहाँ आके इतना शोर सुनो, शोर 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 शोर। यार तो मैं दिखाता हूँ मम्मी क्या कर रही है यहाँ पर। मैं काय काय कहीं गाँव से प्याज ला रही थी ना मैं। गाँव वाले प्याज हैं, ऊपर से जो आने लग जाते हैं इसमें पेड़ है। गाँव के अरबी और यार सच्ची कह रहा हूँ पत्ते खाने लायक हो जाएंगे पत्ते। और मैं चीज बता दूँ तुम्हें, ये वाला तो मैं इधर का ही है ना शायद, ये वाला यही के है, पर ये जो गाँव के हैं ये बिल्कुल अलग होंगे देखना। और एक चीज बता दूँ तुम्हें, गाँव में ना इतनी बार पापड़ की साग बनाई, मतलब अरबी इतनी बार बनाई, मैं हमेशा मन नहीं भरा मेरा बिल्कुल भी, खाए जा रहा हूँ और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा। हाँ वही मेरा मम्मी लेके आई है अरबी भाई, अब दबा के खाऊंगा मैं तो, क्योंकि मैं तीनों टाइम समझ लो अरबी एकदम मजा आ रहा था खाने में। मम्मी बना रही थी पर मसाले वाला, और अभी वापस आते टाइम भी हमने वही खाया था जब हम आ रहे थे गाँव से। हाँ सूखा बनाया था आपने और बिल्कुल बढ़िया लग रहा था सूखा जब वापस आए थे, जैसे बोलते तो आलू के गुटके होते हैं वैसे सेम टू सेम, पर उसमें अरबी मिलाई थी तो हाँ मजा आ गया उसमें। पर अभी ये देखो प्याज का, ये तो टेस्ट मतलब जो आ रहा है ना वो उधर के पानी से आता है, हिमालयन पानी, क्योंकि सब नेचर वहीं से आता पानी हिमालय का। और अब दिखा रहा हूँ तुम्हें ये प्याज, ये कहाँ से भूमकी की साइड से लाए हो क्या ना? तो ये दादी कहाँ से भूमकी की साइड से लाई है या वहीं गांव में पड़े थे रखे हुए थे? अच्छा ये वाले दिए थे, तो कुछ टाइम बाद इनमें आने लग जाते हैं जैसे वो नहीं होते, जैसे अंकुरित चने नहीं होते वैसे ही अंकुरित कहते हैं ना, मैं अंकुरित होने लग जाता हूँ, अंकुरित प्याज वो है क्या आने लग गए उसमें। और अरबी भी लगा रही हूँ मम्मी, यहाँ ही दिख रहे ना इतने आम के पेड़, तो ये बस हो जाए अभी टहनी भी उसकी बड़ी आने लगी, थोड़े से बड़े बड़े हो गए। और अभी अभी मम्मी ने ये वाला जो पेड़ है पहले यहाँ था इसको निकाल के यहाँ लगा दिया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पेस कैरी कर रहा है तो अभी यहीं पर ही ठीक है। अरबी दादी ने दिए थे वाले, इसको लगा लेना छत में। और यहाँ एक छोटी सी टैंकी में हम लगा देते हैं टैंक है। ये अरबी के वो पहले मम्मी ने लगाया था अरबी के हैं, पत्ते खाने के लिए हो जाएंगे वो, नीचे अरबी खाना होती है इसमें। अरबी नहीं होती मतलब, अरबी यहाँ नहीं होती ना टैंकी में, अब तो इसको तैयार निकालने का टाइम है इसका, तो मैं ऐसे लगा रही पत्ते पत्ते खाने लायक हो जाएगा। अच्छा पत्ते खाने लायक, पत्ते भी खाते हैं ना इसके? पत्ते तो खाते हैं। हाँ पत्ते भी खाते हैं, मेरे को दिखाना है। पत्ते भी हमारे पे लाएंगे मतलब पत्ते हो जाएंगे। हाँ वही कह रहा है, इसकी जो सब्जी भी बनती है पापड़ साग पत्तों की सब्जी बनती है इसकी। ये धनिया हो रहा है, धनिया भी हो रहा है, बहुत चीजें हो रही थी यहाँ। ये बाजरा जो हमने उस दिन लगाया था वो उन्हीं के लिए बने और कुकी के लिए, दोनों अभी मजे कर रहे हैं नीचे सुबह सुबह। फिर मेरे को आज जगाया 6:30 बजे से, काटे जा रहे हैं। मैंने पूरा ढकीना ले लिया, कम्बल ले लिया, बस अब काट रहे हैं। पर तब भी वो काट रहा था चूजा बने, यहाँ पे हो रही है मतलब। हाँ ये काय के पेड़ है, ये राय का पेड़ है और ये सरसों का पेड़ है। ये राय राय और ये सरसों कितने बढ़िया हो रहे हैं, पत्ते तोड़ के ले जाऊंगी। गाँव में भी हो रहे थे राय के पेड़ खाने के लिए वैसे। अच्छा इनकी हरी सब्जी देख लो, निकाल लो भाई, ये तो मजा होता है हरी सब्जी खाने का घर की ना। और बड़े ये बिल्ली आ गई, देखो कल वाली देखो मजे मार रही, अभी आई है। हाँ मैं इधर मैं आऊँ, नहीं मैं आऊँ, नहीं मैं आऊँ। We'll be right back.
सारे मैंने निकाल दिए और ये हो गया हरी सब्जी के लिए। हाँ इनको सही से धो देना, मिट्टी उट्टी हल्की फुल्की हो जाती है। ये बनी कुकी नहीं खाते ना? हाँ वही तो पहले लगा वो खाएंगे, उनको उनमें से किसी ने नहीं खाया, पर अभी इनमें फिटवार से हो जाएंगे ना। हाँ ये फिटवार से हो जाएंगे। क्या चीज़ है ना राय? अच्छा मूली और राय का, राई राई राई, हाँ वो भी डाल दो। अभी मैं देख रहा था हमारे घर के पीछे बाड़ है, मतलब ताऊ जी का, तो उन्होंने भी वहाँ पर लगानी शुरू कर दिया। आलू का भी लगा रहे हैं वहाँ पर, राई का भी है और तीन चार चीज के और पौधे थे तो उनके भी उन्होंने लगा रखे। अब बेचारी यार बिल्ली भी आ रही है इधर बार बार, छोटी सी बच्ची है यार, कल भी आई थी आज भी आ रही है, पर अभी बस वो लग रहा है कि यार बनी और कुकी की वजह से मेरे को डर लग रहा है, नहीं तो मैं भी इसको आराम से पाल लेता यार, पर डर उसी का है ना, बनी कुकी को ना काट ले कुछ कर दे तो कितनी प्यारी लग रही है बिल्ली, तो काट लेगी उसके बाद लगेगी खूखार। कोई नहीं यार, पर यह कि रखना चाहिए इनके लिए भी खाना कुछ ना कुछ। मैं तो कल से दो तीन बार इसको दूध दे दिया, दूध पी रही है फिर अंदर चले जा रही, फिर दूध पी रही है फिर अंदर चले जा रही, नीचे एक रैक रखा है ना जूतों का उसमें चले जा रही थी बार बार, फिर देखो बार बार इधर ही आ रहा है क्योंकि इसको अच्छा लग रहा है। अरे ठीक है, अरे तो बनी को कुकी को मैं काटी हो तब जब चला। तो यार अब चलते, मम्मी काय का लेके आए हो आप, काय का लेके आए हो बीज? अरे ये थोड़ा अरबी और सना के और लगा दूंगी थोड़े इधर के साथ। अरबी आप कह रहे थे कुछ मूली उली का भी, किसका लगा रहे थे? दिखाओ ना इधर दिखाओ, किस किस का, किस किस के बीज लाए हो? ये मूली का है, ये भी पत्ते होते कहाँ हैं मूली, ये कहाँ होते हैं मूली में? ये भी होते हैं कहाँ, मेरे को तो नहीं दिखते मूली के उसमें। देखे नहीं ना यार, ये दिखाता हूँ तुम्हें, देखो ये देखो फिर आ गई बिल्ली चली गई। नहीं बीज तो मेरे को दिखते ही नहीं कभी मूली के पत्तों में, मूली में कहाँ होते हैं? उनको जब मूली को देर तक छोड़ देते हैं ना, कहाँ पर पेड़ बड़ा लंबा सा होता है बीज होता है, बीज में तो कहाँ की साइड होता है? जैसे ये है नोक होता है, जैसे ये बड़ा सा लंबा हो रखा है उसको नोक, ऊपर साइड नोक है। हाँ दिन को देर तक रहने देते हैं। अच्छा एक बार सच्ची में मेरे को नहीं पता था, मैं मजाक नहीं कर रहा, तेरे को कहाँ से पता रहेगा? ये कह रहा पहले मेरे को लगा शायद इसी के ही पत्ते से या मूली को रख देते होंगे जो सूख जाती होगी मूली, जैसे अरबी को रखते, और अब पता चल रहा है मेरे को इसके बीज होते हैं, मूली के ही है ना पक्के, दिखेगा नहीं दिखेगा हो गया। मैं फाइनली हो गया पत्ते ही खा लेंगे, गोबर लाऊंगी, गोबर भी डालेंगे। अच्छा खाद गांव में तो भैया खाद की एक वीडियो आने वाली है मेरी, देखना अभी थोड़े दिनों में आ जाएगी, तो खाद वहीं पर ही भैंस थी ना नीचे छन्नी में हमारी पुरानी वाली, हमारी भैंस तो नहीं थी पर जिनको दिया था उनकी भैंस की मतलब वहाँ पर रखा हुआ था खाद, तो वही हम यूज़ करने के लिए ले जा रहे थे पीछे पटाऊ में, वहीं पर ही स्टोक लगा रखा था स्टोक में, तो वही अब यहाँ पर तो लेके आना पड़ेगा नहीं तो वहाँ तो मिल जाता हमेशा। चलो मिली थी तो यार चलो नीचे चलते हैं फिर, मैंने तो सुबह सुबह 7 बजे के टाइम खा लिया, 7-8 बजे के टाइम खा लिया पापा के साथ, तो बस अभी पेट भरा भरा ही लग रहा है मेरे को, चलते हैं फिर नीचे। सो यार मैं भी कुछ काम से आ रखा हूँ बाहर, आर एस माज रोड से जा ही रहा था ना आगे, तो यार इधर इतनी धूल मिट्टी हो रही है सच्ची में, और गाँव में इतने मस्ती से रह रहे थे यार, कुछ शोर शराबा नहीं, बस नेचर की आवाज़ें आ रही हैं, वो कितना अच्छा लग रहा था, और यहाँ देखो धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा, और मेरे बूबू लोगों ने वहाँ पर मतलब दादा लोगों ने और चाचा लोगों ने इतना बोला कि सच्ची में यहाँ पर इतनी धूल मिट्टी है, दिल्ली बिल्कुल डल है उत्तराखंड के मामले में, और जहाँ मैं इंदौर में रहता हूँ वहाँ बिल्कुल साफ रहता है, और यहाँ देखो अलग टाइम ख़राब जगह ख़राब बस रह रहे हैं इधर, अभी नहीं तो 3-4 दिन और रहता ना सच्ची में यार और मज़ा आता वहाँ पर कोई नहीं, वो घर तो अपना आना ही था, तो बस अब मैं चलता हूँ जहाँ मैं जा रहा हूँ, अभी आपको थोड़ा सा आगे का व्यू दिखा दूँगा, और अभी तो मैं थोड़ा सा इधर पार्क की साइड आ रखा हूँ क्योंकि यहाँ थोड़ा सा शांत है, नहीं तो वहाँ इतनी धूल मिट्टी यार हालत ख़राब। और यार गांव में देखा बिना मास्क के रह रहे थे हम आराम से, कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ देखो पूरा कवर करना पड़ रहा है, बालों को भी मुंह को भी आंखों को भी,
क्योंकि यहाँ भाई प्रोटेक्शन अच्छे से अच्छी है, वहाँ तो भैया आराम से रह रहे हैं भाई। कोई नहीं, रहना तो पड़ेगा यार, अपने आप को कवर करना है और सेफली अपना रहना है तो। और यहाँ देखना कितना कंजस्टेड होगा। अरे यार मैं भी साला पागल हूँ कसम से यार, मैं भूल ही गया आज मंगलवार है और इतनी भीड़ हो रही है आज। पैदल जाने में फायदा था, भूल ही गया सच्ची में। मंगलवार में इतनी भीड़ होती है यहाँ पर आर्य समाज रोड में, जितनी कभी नहीं देखी होगी तुमने उस लॉकडाउन के बाद भी और पहले भी। कभी मैं विकासपुरी आ गया और वो भी बिना हेलमेट के। साला मेरे को लगा हेलमेट लाया और वो हेलमेट ही भूल गया रास्ते में, और कैसे न कैसे होके आया इधर। यार कभी भूलना मत यार हेलमेट अगर तुम बाहर जा रहे हो तो। यार ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता हमेशा। सो यार बाल बाल बचा मैं, पहुंच गया अपने हिमालय सागर से थोड़ा सा आगे मेट्रो के। और यार भाई कभी भी ना बिना हेलमेट के कभी मत जाना बाहर भाई, इतना डर लगता है वो तो पहले ही बता रहा हूँ भाई। मेरे को तो आज लगा मैं बिना हेलमेट के गया था, इसलिए भाई कभी भी ना हेलमेट कैरी करना मत भूलना। सो यार आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते फिर नेक्स्ट व्लॉग में।